जिला स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल पुरुष व महिला प्रतियोगिता का आयोजन आदर्श स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रामदान क्लब और महिला वर्ग में दीनगढ़ विजेता रही। आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुई जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर जिले की पुरुष वर्ग में 20 टीम और महिला वर्ग में 9 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। जिला स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का समापन समारोह सोमवार रात को जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुआ। 3 दिन से चल रहे इस जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में रामदान क्लब व महिला वर्ग में दीनगढ़ विजेता रहे। जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर जिले की पुरुष वर्ग में 20 टीमें व महिला वर्ग में 9 टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का फाइनल सोमवार रात्रि दूधिया रोशनी में खेला गया, जिसमें पुरुष वर्ग में रामदान क्लब विजेता व SWML उप विजेता रही। वहीं महिला वर्ग में दीनगढ़ विजेता व सिलोर उप विजेता रहा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि धोरीमीना, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खेराज राम गोदारा, अध्यक्षता खड़ीन सरपंच हेमाराम चौधरी व विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामाराम मूडण रहे। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में आकर्षण का केंद्र अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी दिलीप दास, रविंद्र कुमार गौड़, अशोक सियाग व गोमाराम डूडी रहे। वहीं महिला वर्ग में नवली देवू, मूली, ममता व कंचन का खेल शानदार रहा। प्रतियोगिता के प्रतिवेदन में सचिव हेमाराम चौधरी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का 2 दिवसीय प्रोग्राम था। यहाँ से जो चयनित होकर टीम जाएगी वो स्टेट पर बाड़मेर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। कितनी टीमों ने भाग लिया इसमें? यहाँ महिला वर्ग में 9 टीम और पुरुष वर्ग में 30 टीमों ने भाग लिया। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में भामाशाह गंगाराम माचरा द्वारा खिलाड़ियों के पारितोषिक की व्यवस्था की गई। प्रतियोगिता में निर्णय की भूमिका ठाकराराम चौधरी, दीपाराम, महिपाल सिंह, मेहराराम, सोनाराम व चमनलाल ने निभाई। कार्यक्रम के अंत में ठाकराम चौधरी ने सभी खिलाड़ियों व दर्शकों का आभार व्यक्त किया।